मैंने आप लोगों को बहुत तरह तरह के बहुत सारे गमले बनाने सिखाए हैं, आज मैं आपको डिफरेंट टाइप का एक बहुत ही इजी तरीका सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप का एक गमला बनाना सिखाने वाली हूँ। बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस आपको कोई भी ऐसी पुरानी टी शर्ट या कोई भी कपड़े का टुकड़ा कुछ भी ले लेना है और उसके बाद आपको इसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। ये है मेरे पास कैंची, मैं इसके बहुत छोटे छोटे से मतलब इतने इतने बड़े बड़े टुकड़े मैं इसके बहुत सारे कर दूंगी। मैंने कुछ इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं इस कपड़े के, जो मैंने एक छोटे छोटे से कतरन टाइप की बना ली है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही आपको भी कर लेना है और उसके बाद हम लेंगे कि बाद हम किसी भी बॉल में ले लेंगे पानी और इनको डाल देंगे जिससे ये पानी ऑब्जर्व कर ले। इसे गीला करने के बाद हम इसे आराम से ऐसे निकाल के रख लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए बलून। मैंने बहुत सारे गमले बनाए हैं बलून से, इसलिए मैंने बहुत सारे बलून भी मंगा कर रखे हुए हैं। अब मैं इसका एक बलून लूंगी और उसे आपको फुला लेना है। मैंने इस बलून को फुला लिया है और हमें चाहिए कुछ ऐसा गोल, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, लोटा, मैंने इस लोटे का यूज किया हुआ है, आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे मैं केवल के लिए यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सीमेंट ली होगी और उसे मैंने ओनली वाटर डालकर यहाँ पे इसका इस तरह का पेस्ट बना लिया है, मिक्सचर ढीला, और इसी पेस्ट में हमें ये सारे के सारे कपड़े इसमें ऐसे डाल देने हैं जिससे ये आराम से सीमेंट ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद हमें ये जो हमने बलून फुलाया है बलून को इसमें रखना है और इसके बाद हम एक एक करके इस बलून में इसको लपेटते जाएंगे। ध्यान रखें कि आप लोग जब ये काम करें तो ग्लव्स जरूर पहने। मेरे ग्लव्स एक्चुअली फट चुके हैं इसलिए मैंने यूज नहीं किया, मैं हाथों से डायरेक्टली बना रही हूँ, तो आप लोग ग्लव्स जरूर पहने और इस तरह से आप लेयर बाय लेयर कपड़े बस लेते जाइए और इजिली इसके ऊपर आपको रखते जाना है। मतलब ये गमले बनाने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है, बस आप देखते जाइए, बहुत ज्यादा आसानी से आपका ये गमला बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार होने वाला है। ओनली आपको कपड़े की कतरन लेनी है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं और बहुत इजी तरीके से आप भी अपने घर में सुंदर से प्लांटर्स बना सकते हैं। इस तरह से हमें इसे आधा जमा देना है, आधा जमाने के बाद हमें एक दिन तक इसे सूखने का वेट करना है। एक दिन के सूखने के बाद हम इसका नीचे का एरिया कवर करेंगे कि इसको सूखे हुए पूरा एक दिन हो गया है और आराम से इसका बलून आप देख सकते हैं, ये आराम से ये सुकड़ के छोटा हो गया और इसके बाद ये आराम से ये सूख ही गया था। कुछ ही घंटों में सीमेंट है जैसा कि ये टाइट हो जाती है। इसके बाद अब हम इसे बाकी का एरिया इसका हम कंप्लीट करेंगे जिससे हमने हाफ ही छोड़ दिया था। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेत और सीमेंट इसका स्टैंड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेत और सीमेंट का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया ताकि मैं इसका यहाँ पर स्टैंड बना सकूं। ऐसे आपको भी किसी पॉलीथीन या किसी भी चीज के ऊपर से बना लेना है, इसे आराम से इसका स्टैंड बन जाएगा। बस आप देखते जाइए, बस आपको इस तरह से नॉर्मली आप किसी चमचे वगैरह का यूज करके आराम से ऐसे आप भी मेरी तरह बना सकेंगे। स्टैंड बनाने के बाद बस आपको गमले को आराम से इसके ऊपर रख देना है और ये जुड़ जाएगा। हमने जो कल कपड़े छोड़ दिए थे थोड़े से, उसको अब हम लोग उसमें सीमेंट से गीला कर करके उसे इसमें थोड़ा सा और लपेट देंगे जिससे ये प्रॉपर गोल इसका आकार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसानी से जो मैंने कपड़े बचाए थे उसको यहाँ पर मैं इसमें बस ऐसे रखती जाऊंगी क्योंकि अब ये मजबूत हो गया है और इससे इसका पूरा गोल आकार और थोड़ा और मजबूती आ जाएगी। इस तरह से आपको भी कर लेना है। जैसे इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें होल कर दूंगी, ये कपड़ा है इसलिए बहुत ही आसानी से इसमें अभी होल हो जाएगा, इसलिए आप भी अभी कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर ये इसमें होल होगा नहीं, आपको ड्रिल मशीन लाना पड़ेगा। इस गमले को जमाए हुए पूरा 6-7 घंटा हो गया जो मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब बारी है इसे सबसे मजबूत बनाने की। अगर हम इस गमले को इसी तरह छोड़ देते हैं तो ये मजबूत नहीं रहेगा, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है अब इसे मजबूती देने की, क्योंकि ये कपड़ा है और जल्दी सड़ जाएगा और जैसे सड़ेगा, जैसे आप पानी डालेंगे तो फिर ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। और इसे मजबूत बनाने के लिए अब यहाँ पर लिया है इतना थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर सीमेंट लिया, इतना ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रिवर्स एंड लिया। रिवर्स एंड वही होती है जिसे हम अपने घर बनाने में यूज करते हैं और उन दोनों को मैं अच्छे से मिला लूंगी। आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, बस आप इसको हल्का सा बस गीला रखिएगा और इस तरह से करनी की हेल्प से या फिर ब्रश या फिर चमचे वगैरह जो भी चीज़ आप यूज कर सके उससे आप आराम से इसमें लगा दें। मैं ये देखती हूँ कि मोस्टली लोग जो कपड़े से गमला बनाना सिखाते हैं वो कभी ये जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है इस गमले का कि अंदर से सीमेंट और रेत मिलाकर लगाना जिससे गमला मजबूत हो, तो वो लोग सिखाते ही नहीं, डायरेक्ट बस कपड़े से बना करके रख देते हैं।
तो इस तरह से गमला हमारा मजबूत होता है। यहाँ पर मैंने इसके चारों तरफ से अंदर बहुत ही अच्छे से मसाला लगा दिया है, अब आप देख सकते हैं ये बहुत मजबूत हो गया है। अब आपको इसी तरह एक दिन के लिए रख देना, एक दिन में ये बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसका होल भी मैंने प्रॉपर कर दिया था, आपको भी ये चीज ध्यान रखना है ताकि होल इसका बंद ना होने पाए। और इसके बाद में यहाँ पर जो पीछे का एरिया अभी थोड़ा बचता है, इसमें हम लोग सीमेंट लगाएंगे। उसके लिए हमें एक दिन वेट करना है, जब ये सूख जाएगा तो उसे आराम से हम लोग उल्टा करके इसमें सीमेंट लगा लेंगे। मैंने इस गमले को बहुत ही अच्छे तरह से जमा दिया था, आप इसका स्टैंड देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर इसका स्टैंड वगैरह सब कुछ जमकर तैयार हो गया है। अब बारी है अंदर का भी, सारा का सारा मटेरियल इसका सूख चुका है और अब बारी है इसके बाहर के एरिया में, हम यहाँ पर सीमेंट का घोल बनाकर लगा देंगे। आपको कोई भी इस तरह की ब्रश ले लेनी है और सीमेंट का आप थोड़ा थोड़ा सा घोल बनाकर इसके बाहर से चारों तरफ से इसके लगा दीजिए। बस आप जब सीमेंट लगा देंगे तो बाहर से जो भी थोड़ा बहुत क्लॉथ दिख रहा था वो अच्छे से कवर हो जाएगा और गमले को थोड़ा सा एक सुंदर सा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा और बहुत ही सुंदर सा गमला बन जाएगा आपका। बस आप बिल्कुल आसानी से ऐसे आप भी मेरी तरह ढेरों गमले का बना सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसमें चारों तरफ से इसमें सीमेंट लगा दी है, अभी का इसका काम होता है खत्म। अब आप लोग समझ रहे होंगे कितना आसान तरीके से ये गमला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगा देंगे इसके होल में मिट्टी यहाँ पर, और इसके बाद इसको भर के रख देंगे इसमें पानी। और उसके पहले हमने जो सीमेंट लगाई उसको सूखने के लिए हमें यहाँ पर 6-7 घंटे के बाद ही आपको इसमें पानी भरना है, उसके बाद हम इसका आगे का काम करेंगे। अब मैंने इसको अपने बाकी के गमलों के साथ में यहाँ पर पानी भर के रख दिया है। अब आप भी इस तरह से भर के रख दीजिए, बहुत ज्यादा मतलब इजीली ये गमला बन गया है। अब इस तरह से हमें याद रखना है कि हमें मात्र 4 दिन इसमें पानी भर के रखना है, 4 दिन से बिल्कुल भी ज्यादा भर के नहीं रखना है। और 4 दिन से ध्यान रखिएगा कि कम भी ना होने पाए, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और इसमें आराम से आप इसमें पानी भर के रख दें और बहुत ही मजबूत गमला जम जाएगा। और उसके बाद हम इसमें करेंगे व्हाइट सीमेंट और उसके बाद हम इसमें पेंट करेंगे और इस तरह से आपका गमला भी बहुत ही प्यारा बन जाएगा। और अगर आपको प्लीज मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा गमला प्रॉपर अच्छे से जम चुका है। 4 दिन होने के बाद मैंने इसमें इसे हटा दिया है और आराम से ये हमारा गमला कंप्लीट है। अब हम इसमें करेंगे व्हाइट सीमेंट। तो ये व्हाइट सीमेंट बहुत ही सस्ती मार्केट में मिलती है, आप थोड़ा सा बस देख सकते हैं। अब मैंने मुश्किल से यहाँ पर 2 चम्मच व्हाइट सीमेंट लिया होगा और उसको इस तरह से आपको इसका घोल बना लेना है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप व्हाइट सीमेंट का यूज करें या फिर बिना व्हाइट सीमेंट के आपका गमला तैयार नहीं होगा। बस मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ये भी एक तरह का सीमेंट होता है और ये आपको गमलों को मजबूती देता है। और साथ में जब इसके ऊपर हम इसमें कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इसमें पेंट वगैरह निखर कर आता है। अभी तो मैंने इसमें व्हाइट सीमेंट किया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इसमें डायरेक्टली पेंट भी कर सकते हैं। तो आप इसमें पेंट कर लेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगने लगेगा। पर अभी मैं इसमें ऐसे ही इसको छोड़ूंगी ताकि एक दिन सूख जाए, उसके बाद मैं इसमें पेंट करूंगी। हाँ, और व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद आपको एक चीज और याद रखना है कि एक बार इसमें तराई जरूर कर देनी है क्योंकि ये एक तरह की सीमेंट ही है। अगर आप इसमें एक बार तराई कर देंगे तो ये और अच्छे से चिपक जाएगी। और इस तरह से हमारे गमले का काम होता है अभी के लिए खत्म, उसके बाद में इसमें पेंट कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये आइडिया और मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें। और भी बहुत सारे डिजाइन के गमले अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर घर में फ्री की गार्डनिंग करना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियोज। मैंने ढेरों गमले बना के रखे हैं और बहुत सारे इजी मेथड मैंने सब में बता रखा है और बहुत ज्यादा आसान होता है गमले बनाना। थैंक यू सो मच।